हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं नितेश और आप देख रहे हैं क्लासमेट नितेश। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मच और मैनी के बीच का डिफरेंस और इनका यूज़ समझने वाले हैं। तो बिना स्किप किए इस वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। आज आप इस वीडियो से मैनी और मच का डिफरेंस और इनका यूज़ समझकर जाने वाले हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले कर दीजिए एक लाइक, और हमारे चैनल क्लासमेट नितेश पर नए हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज का ये वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस, हम मैनी का यूज़ समझते हैं। इसका यूज़ हम बहुत के मीनिंग पर करते हैं। तो इसका यूज़ देखिए, मैनी का यूज़ प्लूरल काउंटेबल नाउन की अधिकतम संख्या दिखाने के लिए किया जाता है। तो गाइस, प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? तो यहाँ पर नीचे एग्जांपल मैंने दे रखे हैं, वो देखिए। जैसे कि बुक्स, कार्स, पीपल, बॉयस इत्यादि, ये सारे होते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो ये क्या है? नाउन्स हैं और ये क्या हैं? प्लूरल हैं और इनको गिना जा सकता है, उन्हें हम बोलेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो गाइस, अब देखते हैं हम यूज़ ऑफ मच। मच का यूज़ भी हम बहुत के मीनिंग पर करते हैं। और एक और यूज़ देखिए इसका, मच का यूज़ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की अधिकता दिखाने के लिए किया जाता है। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन ये क्या होते हैं? तो उनके भी एग्जांपल नीचे हैं, जैसे टाइम, टर्बल, एक्सपीरियंस, मनी इत्यादि। ये सारे क्या हैं? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हैं। ये सारे क्या हैं? सिंगुलर हैं, क्योंकि इनके लास्ट में एस नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गए? सिंगुलर हो गए। और अनकाउंटेबल नाउन हैं, इनको गिना नहीं जा सकता, इसलिए ये क्या हैं? अनकाउंटेबल नाउन हैं। तो गाइस, इससे आपको मच और मैनी के बीच में डिफरेंस पता चल गया कि हम मैनी का यूज़ किस लिए करते हैं और मच का यूज़ किस लिए करते हैं। मैनी का यूज़ हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं और मच का यूज़ हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। तो गाइस, चलिए इनका यूज़ तो हमने देख लिया, अब इनसे जुड़े कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे दो एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर हैं, ही आस्क्ड मी ब्लैंक क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए मैनी और मच में से? तो यहाँ पर नाउन देखिए सबसे पहले सेंटेंस में कि यहाँ पर कौन सा नाउन है। तो ये क्या है? यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है? एक काउंटेबल नाउन है। जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उनको हम गिन सकते हैं, तो यहाँ पर हम मैनी लिखेंगे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ब्लैंक पीपल वांट टू स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पर हम पीपल आ रहा है, पीपल क्या है? एक काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर भी हम मैनी करेंगे। तो गाइस, इससे आपको पता चल रहा होगा कि हमको कहाँ पर मैनी और मच का यूज़ करना है। तो गाइस, अब हम देखते हैं मच और मैनी से बनने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब हम मच और मैनी से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इनके आगे एक WH वर्ड हम जोड़ देते हैं, हाउ, HOW, हाउ, हाउ मैनी एंड हाउ मच। इनका मीनिंग दोनों का, हाउ मच और हाउ मैनी का, सेम रहता है, कितना, कितनी, कितना, कितनी, ये दोनों मीनिंग रहते हैं। बट इनके बीच में डिफरेंस, जैसे कि हमने शुरू में डिस्कस किया है मैनी और मच के बीच में, वही डिफरेंस इनके बीच में भी रहता है। जैसे हाउ मैनी का यूज़ हम करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ, और हाउ मच का हम यूज़ करते हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो आई होप आपको हाउ मैनी और हाउ मच के बीच में भी डिफरेंस समझ में आया होगा। चलिए इनसे जुड़े भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे दो एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है, हाउ ब्लैंक मनी डू यू हैव। तो यहाँ पर हमें हाउ मैनी या हाउ मच में से एक भरना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सेंटेंस में नाउन देखना है कि इसमें नाउन क्या है। तो यहाँ पर मनी, ये क्या है? एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। मनी क्या है? एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर हमें पता है कि जब सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा हो तो वहाँ पर हम हाउ मच भरते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, हाउ ब्लैंक स्टूडेंट आर इन योर क्लास। तो यहाँ पर स्टूडेंट, ये क्या है? एक काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर हम मैनी, हाउ मैनी भरेंगे। चलिए दो और एग्जाम्पल देखते हैं, हाउ ब्लैंक टाइम यू हैव। तो यहाँ पर जो नाउन आ रहा है सेंटेंस में वो है टाइम। अब टाइम क्या है? एक सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, और एक अनकाउंटेबल नाउन है। टाइम को हम गिन नहीं सकते, तो यहाँ पर हम हाउ मच, हाउ मच का यूज़ करेंगे। चलिए फोर एग्जाम्पल देखते हैं, आज का लास्ट एग्जाम्पल, हाउ ब्लैंक चिल्ड्रन डू यू हैव।
तो यहाँ पर जो नाउन आ रहा है वो है चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन क्या है, एक काउंटेबल नाउन है, बच्चों को हम गिन सकते हैं, तो प्लूरल है और एक काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर हम हाउ मैनी का यूज़ करेंगे। तो गाइस आज का वीडियो यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को कीजिए एक लाइक, और क्लासमेट नितेश चैनल पे नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और पास एक बेल आइकन है उसे भी कीजिए हिट, ताकि फ्यूचर में आप इसी तरीके की एजुकेशन वीडियो पाते रहें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून, हैव अ नाइस डे।